तो नादरी ये है भाई, जिसके होटल में मुजाहिद सिंधू साहब हमें लेके आए, आरफ द होटल, इस होटल का नाम है। भजन थोड़ा की नाम? मोहम्मद सरदार है। मोहम्मद सरदार साहब, ये तेरे हथन च की सीगा इना मजा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे साथ जाहिद सिंधू, और कैमरे के सामने मुजाहिद सिंधू भी मौजूद है। आज मुजाहिद साहब ने हमारी की है दावत, वो भी अब्दुल हकीम में, और इस वक्त हम खड़े हैं देखें मेन रोड के करीब, जो बागड़ और शोरकोट रोड की तरफ जाता है। तो हम गेट में खड़े हैं, अभी गाड़ी आने वाली है तो हम उस पर होंगे सवार और जाएंगे अब्दुल हकीम। आज जो है फिर बकरा बकरा बकरा, यानी कि बकरा कढ़ाई नहीं, कट्टा कढ़ाई आज मुजाहिद सिंधू साहब हमें खिला रहे हैं। तो हम जा रहे हैं, इसकी जो दावत है देखेंगे कितना मज़ा आएगा। तो जाहिद कुछ ऐड करना चाहो? जी मज़ा तो आने वाला है आज, क्योंकि हम अपनी जेब से तो नहीं खा रहे हैं। पहली बात, तो दूसरी बात सर्दी है, मौसम एंजॉय होगा, बड़ा मज़ा आएगा। और कुछ कहना चाहें? बस दोस्तों से यही कहते हैं कि वीडियो के साथ जुड़े रहें, और मज़ा तो आप देख के ले सकते हैं, वैसे हम तो खा के मज़ा लेंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे आपको भी मज़ा आएगा जितना हमें खाने में मज़ा आएगा। जी नाज़रीन, गाड़ी उस वक्त पहुँच चुकी है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अब्दुल हकीम के लिए, तो चलते हैं, आपने हमारे साथ जुड़े रहना, बहुत मज़ा आने वाला है। लेट्स गो। जी नाज़रीन, हमने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। ये देखे इधर हमारा प्यारा दोस्त चौधरी मोहम्मद अनवर जाट मान साहब, नाम भी प्यारा और वैसे देखें सेहत माशाल्लाह, सेहत भी अच्छी है हमारी तरह। तो पीछे आपको नज़र आ रहे हैं दो दोस्त, और एक तो वो पीछे छोटा सा जाहिद सिंधू साहब नज़र आ रहे हैं, एक इस साइड पे भतीजा बैठा है मुजाहिद बशीर जी, जी, जी। नज़र आ रहा है जी, क्या हाल चाल है? ठीक हो? क्या महसूस कर रहे हो? चाचू साहब आपसे हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, आप बताएं जी। अल्हम्दुलिल्लाह। भजन किधर जा रहे हो? इधर ले जाओगे? हम तो पीछे बैठे हैं यार, इतनी सर्दी है, धुंध चारों तरफ धुंध है, और आप जो है गाड़ी में बैठ के सुकून से जा रहे हैं, पता नहीं किधर जा रहे हैं। पहले बताया था गाड़ी में बैठ के, आपको पता नहीं है किधर जा रहे हैं। नाजरीन ये चक्कर से ले जाएगा, चक्कर से लेके जा रहे हैं, कहते हैं आपको जो है ना आज खाना खिलाना खट्टे का, हमेशा कट्टा खुलता है, अब कहते हैं यहाँ पे ज़िबा हो चुका है, तो चलते हैं आगे आगे देखें होता है क्या। जी दोस्तों, रास्ता तुम देख सकते हो कि इस वक्त जो है जंप ने साड़ा रोड एडा जो है जंग रोड एडा टाप का कोई नहीं, साइडों तक भी देखो आबादी बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं बड़ा मज़ा आने वाला है। रोड जो है वो थोड़ा सा खस्ता है, जंप बड़े हैं, मेरा ख्याल है खाना खा के जब वापस आएंगे तो आते आते हजम हो जाएगा, बड़ा मज़ा आएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम बागड़ पुल बागड़ स्टॉप जो है वहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि पीछे रास्ता ख़राब था, सड़क सारी जो है वो उखड़ी पड़ी थी, तो यहाँ पे जो नई लुक डाली जा रही है, नया रोड बनाया जा रहा है, तो यहाँ से हम टर्न करेंगे मोटरवे रोड की तरफ जो अब्दुल हकीम को जाता है, तो इंशाल्लाह 15 मिनट बाद हम इंशाल्लाह जो है उस मकाम पे पहुंच जाएंगे जहां पे हमारा जो खाना इस वक्त तैयार हो चुका है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम अब्दुल हकीम इंटरचेंज पे पहुंच चुके हैं, साथ ही जो है तकरीबन चंद फासले पे अब्दुल हकीम शहर है, तो होटल के करीब हम पहुंच चुके हैं, पहुंच चुके होटल पे, तो चलते हैं। कहते हैं सीढ़ियाँ नीचे उतरना, सीढ़ियाँ कहते हैं नीचे उतरना, चले नीचे उतर जाएं। आए जी, आए आए जी, चलो सब आए, अंदर तो अंधेरा है भाई, ओ अंदर तो अंधेरा है काफी, अंधेरा देखें कुछ भी नजर, ओ रोशनी आ गई, वाह जी वाह वाह, उधर आ जाए क्या सीन है जी। जनाब वेलकम करते हैं आपको
होटल पे तौलिए पड़े हैं क्या, हवाम तो नहीं है? जी नाज़रीन देखें, खाना जो है वो आ गया है। स्पेशल कट्टा कढ़ाई नींबू जो है इसमें डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये रोटियां और ये अलहदा उसमें एक नली भी डाली गई है खूबसूरत, तो खाते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। जी नाज़रीन आप देख सकते हैं ये बर्तन था जो भरा हुआ था, तो हमने सफाई कर दी है। मुजाहिद सिंधु साहब का खाना बड़ा टेस्टी था। ये छोरी सबान खा पी के जो सैंड पे बैठे हुए हैं, टीचर सबान भी बड़ा मज़ा आया। आगे आगे देखे होता है क्या। मुजाहिद सिद्धु साहब इस होटल पे लेके आए थे, होटल का नाम है आरफ का होटल, तो बड़ा मज़ा आया। ये भाई है जिसने खाना जो है तैयार किया, इसके हाथ में इतना मज़ा है, इससे पूछते हैं कि कहाँ से सीखे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, प्यारा सा नाम बताइएगा। मुंबई शहजाद है। अच्छा शहजाद भाई, कितना अर्सा हो गया आपको होटल पे काम करते? ये कहाँ से सीखा था? अपने वाले साहब। यार इतना टेस्ट है आपके इस खाने में, ये स्पेशली तौर पे आप बनाते हैं या खास मेहमान है उसके लिए? स्पेशली बनाते हैं, खास भी बनाते हैं। अच्छा क्या क्या मिलता है यहाँ से? सब्जी दाल गोश्त चिकन कढ़ाई बीफ कढ़ाई चिकन चिकन कोफ्ते। मशहूर क्या चीज़? चिकन कढ़ाई। नहीं हमने तो जो आज खाया है इंशाल्लाह दोबारा भी आएंगे, यही खाएंगे, आपको वही बना देंगे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन देख सकते हैं इस वक्त भीड़ है काफ़ी, आप कभी भी इस साइड पे आएँ, मोटरवे से उतरेंगे तो साथ ही जो है इनका होटल है, बड़ा मज़ा आएगा। ईमानदारी से कह रहे हैं कि बड़ा मज़ा आया हमें। जी जैद साहब। हाँ ये आरफ आरफ का होटल पंजाबी है इसका नाम है, और हमने यहाँ से कुछ लोगों से जब पूछा है, हमारे दोस्त भी हैं यहाँ के मुकामी, तो उन्होंने कहा कि इस होटल के जो रेट्स हैं ना वो बहुत मकबूल हैं, यहाँ पे हर तबके के लोग आते हैं, मतलब इतने ज़्यादा भी नहीं। यानी खाना आपको वीआईपी होटल वाला मिलेगा, फाइव स्टार वाला? ये फाइव स्टार होटल का जो जायका है वो आपको शहजाद भाई के हाथ से जो है वो खाने को मिलेगा। कभी भी आप अब्दुल हकीम मोटरवे पर आएँ तो यहाँ पे जो इंटरचेंज है उतरें तो आरफ के होटल पे आप जायका जो है वो टेस्ट कर सकते हैं, और जो चाय पिलाई है गुड़ वाली वो भी बड़ी ज़बरदस्त। तो इसी के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।